हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है आज है सैटरडे। तो जैसे कि सैटरडे को हम पढ़ते हैं स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर के लिए और डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखते हैं आज सैटरडे के दिन कौन से 10 स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो स्पोर्ट्स से है। जैसे कि ड्यूस इज अ टर्म यूज्ड इन विच गेम, यानी जो एक शब्द होता है ड्यूस, ये कौन से खेल में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे ड्यूस के बारे में पूछा जाए, ये फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है। ड्यूस के बारे में कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी कई बार पूछा जाएगा। तो दो गेम आपको ध्यान रखने हैं, एक तो टेनिस और दूसरा बैडमिंटन। दोनों के अंदर ड्यूस होता है। जब आपके पॉइंट दोनों के बराबर बराबर हो जाते हैं आखिरी के अंदर, तो क्या होता है, ड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है बैडमिंटन। ठीक है, ये तो है टर्मिनोलॉजी जिसकी हम बात करते हैं, टर्मिनोलॉजी। अब ऐसी कई सारी टर्मिनोलॉजी होती है जो कि बैडमिंटन में काम में ली जाती है। ओके, अब देखिए, ये बैडमिंटन का ग्राउंड है, आपको पता होगा, इसको कहते हैं एले। ये लास्ट में जो होती है इसको कहते हैं एले। ये जो साइड में डबल्स के लिए जो काम में ली जाती है, डबल्स के लिए, इसे एले कहते हैं, ये जो पात होता है। ठीक है, तो ये वर्ड भी पेपर में कई बार आता है, तो आपको ध्यान रखना है। साथ में बैडमिंटन के अंदर बात कर रहे हैं तो कुछ एक कप्स एंड ट्रॉफीज से रिलेटेड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि थॉमस कप, उबर कप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उबर कप जो है वो वुमेन का टूर्नामेंट है, ठीक है, ये मैंस का है। जैसे अपने वर्ल्ड कप होता है मैन फीमेल का, मेल फीमेल का, वैसे ही इनका ये वर्ल्ड कप के तरह ही होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। ये तो दोनों इंटरनेशनल जो कि आपको ध्यान रखना है। नेशनल भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक नारंग कप होता है, ये नेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ओके, एक अग्रवाल कप है और साथ में एक दीवान कप है। तो ये तीन नेशनल में और ये दो इंटरनेशनल में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज है जो कि किससे रिलेटेड है, ड्यूज बैडमिंटन से रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, शुक्रेश्वर टेंपल इज लोकेटेड इन। तो शुक्रेश्वर जो टेंपल है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको बताना है। ओके, अब देखिए, एक जो टॉपिक होता है स्टैटिक जीके में टेंपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से भी एक सवाल बनता है नॉर्मली। ये जो टेंपल है, देखिए भगवान, ये जो टेंपल है ये कौन से भगवान का है, शिव भगवान का है, शिव टेंपल भी इसे कहते हैं। और ये कहाँ पर है, ये आसाम के अंदर है। ठीक है, आसाम में दो टेंपल बहुत फेमस है, ठीक है, एक तो ये वाला और एक और है कामाख्या टेंपल। ठीक है, कामाख्या टेंपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में ये टेंपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो टेंपल है जो कि आसाम से नॉर्मली पूछे जाते हैं। और इस टेंपल को जब बनाया गया था वो आई गेस 1744 में बनाया गया था, बाय द ओहम किंग थे सिंघा, प्रमर्थ सिंघा, इनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, बाद में इसका रेनोवेशन भी कराया गया कई बार। और ये टेंपल काफ़ी इंपॉर्टेंट टेंपल है, साउथ बैंक में है, ब्रह्मपुत्र रिवर के गुवाहाटी सिटी के अंदर। तो आपका यहाँ पे सी आपका सही आंसर होगा। और कामाख्या टेंपल और शुक्रेश्वर टेंपल, ये दोनों आपको ध्यान रखने, कुछ इस प्रकार का ये टेंपल है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यूकाई थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन। तो आपको बताना है यूकाई जो ये थर्मल पावर स्टेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने देश के अंदर जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो थर्मल और न्यूक्लियर दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो तो ए इसका सही आंसर है। यूकाई जो थर्मल पावर प्लांट है, ये गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक पार्ट है। और इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी इंस्टॉल कैपेसिटी है, 850 मेगावाट के समवेयर ये इसकी कैपेसिटी। और वन ऑफ द मेजर जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स है उसमें से एक है। कौन सी रिवर के ऊपर है, तापी रिवर के ऊपर है। ये भी पेपर में कई बार पूछता है कि कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया है यूकाई थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए तापी रिवर के ऊपर बनाया गया है। और इसी नाम से यहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, इसी नाम से, सेम नाम से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है। तो अगर आपसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पूछ लिया जाए, थर्मल पूछ लिया जाए, तो दोनों के अंदर ही यूकाई पूछे तो आप गुजरात मार्क कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं लोकेशन यूकाई की ये है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि बीले है, बेरले कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर है, नावेली कहाँ, तमिलनाडु में, तिरोड़ा की बात की जाए तो महाराष्ट्र में, सतपुरा तो मध्य प्रदेश आप पिक कर लेंगे, वनकबोरी भी गुजरात में है, सिका भी गुजरात में है, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगरौली आप देख सकते हैं बॉर्डर पर है यूपी एमपी के। उसके अलावा अनपारा है बिहार में, और ठीक है अनपारा यूपी में है, एक्चुअली अनपारा यूपी में है, और बिरौनी बिहार के अंदर है, रिहैंड है झारखंड में, वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर है, उड़ीसा में तलचर है। ठीक है, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में फ्रिक्वेंटली इसमें से एक ना एक पूछते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द रिवोल्यूशन एसोसिएटेड विद द फर्टिलाइजर्स इज, तो फर्टिलाइजर से जो रिलेटेड रिवोल्यूशन है वो कौन सा रिवोल्यूशन है ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, रिवोल्यूशन अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं और वापस से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे मैंने आपके लिए लिखे हैं ताकि आप रिवाइज कर सकें। ब्लैक पेट्रोलियम से ब्लू फिश, ब्राउन लेदर, नॉन कन्वेंशनल और कोकोआ प्रोडक्शन, गोल्डन फाइबर जूट, गोल्डन रिवोल्यूशन फ्रूट, हॉर्टिकल्चर, हनी, एप्पल, सभी से गोल्डन है। ग्रीन की बात करें तो फूड ग्रेन्स ग्रे फर्टिलाइजर से, तो आपका जो आंसर बनता है वो ग्रे से बनता है फर्टिलाइजर। पिंक ओनियन फार्मास्यूटिकल, प्राउन्स रेड मीट एंड टमाटो, राउंड पोटैटो, सिल्वर फाइबर कॉटन, सिल्वर रिवोल्यूशन। तो देखिए ये दोनों डिस्कस करना, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं गोल्डन फाइबर में और गोल्डन में, सिल्वर में और सिल्वर फाइबर में। तो सिल्वर रिवोल्यूशन एग और पोल्ट्री, वाइट रिवोल्यूशन मिल्क डेयरी प्रोडक्ट, येलो ऑयल सीड और एवरग्रीन रिवोल्यूशन ओवरऑल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो डी यहाँ पे सही आंसर होगा, फर्टिलाइजर ग्रे से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ विच स्पोर्ट्स इज स्वाटलिंग कप एसोसिएटेड। तो स्वाटलिंग जो ये कप है ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है ये आपको बताना है। देखिए इस कप को 1926 में स्टार्ट किया गया था और ये मेन टीम्स इसके अंदर खेलती है, ठीक है। ये जो कप है जो पहले, ठीक है, इंटरनेशनल ITTF जो है, इंटरनेशनल बॉडी जो है टेबल टेनिस फेडरेशन, उसके जो प्रेसिडेंट थे, ओके, उसके जो प्रेसिडेंट थे उनके जो मदर थी उनके नाम पे ऊपर रखा गया है, ठीक है। ये जो लेडी ब्रोनोवस थी जो उनकी मदर थी, पहले ITTF प्रेसिडेंट थे, मोंटेगू थे, इनकी जो मदर थी उनके नाम के ऊपर ये कप रखा गया और बहुत ही मेजर कप है। तो मैंने आपको बता दिया टेबल टेनिस का ये कप है और टेबल टेनिस के अंदर आपको पता ही है कि इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था 60s के अंदर, तो 1960s से पहले तो हंगरी की टीम डोमिनेट किया करती थी, लेकिन 60s के बाद में चाइना ने बहुत बड़ा टेक ओवर किया इसके अंदर, ओके। चाइना ने 20 बार वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप जीती है इसके अंदर। वुमेन्स के अंदर जापानीज ने डोमिनेट किया इनिशियली, बाद में चाइना की वुमेन है वो भी इसके अंदर आ गई, उन्होंने 20 बार उन्होंने भी जीत ली। उसके बाद में सिंगापुर की वुमेन ने भी काफ़ी डोमिनेट किया इस गेम के अंदर, काफ़ी बार वो भी आई, उन्होंने भी अच्छा खासा गेम दिखाया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो कि आपको स्वाटलिंग कप से रिलेटेड है और आपको ध्यान रखना है और बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तोहरा इज द होली बुक ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, ये आपको बताना है। तो जो तोहरा रिलीजन है, तोहरा जो एक होली बुक है ये कौन से रिलीजन की, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताइए, जैनिज्म, जोरास्ट्रिज्म, इस्लाम, ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा यहूदी, ठीक है, यहूदी यानी कि जुडाइज्म। देखिए इसराइल के अंदर ये जो रिलीजन है, इसराइल के अंदर, इसराइल एक कंट्री है आप सभी को पता है, ओके, जेरूशलम उसकी कैपिटल है। जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको कहते हैं ज्यूइश। जो कौन सा धर्म अपनाते हैं, जुडाइज्म अपनाते हैं, जुडाइज्म के फॉलो करने वाले ज्यूइश हैं, और ज्यूइश कहाँ पर है, इसराइल के अंदर है। और वो कौन सी बुक अपनाते हैं, उनकी होली बुक कौन सी, तोरा नाम की उनकी होली बुक है, जो कि आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तोरा का मतलब होता है जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो वे ऑफ लाइफ है जिसको आपको फॉलो करना होता है, उसको कहते हैं जुडाइज्म, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है। ये हिब्रू बाइबल भी इसे कहते हैं, ओके, हिब्रू बाइबल भी इसको नाम देते हैं। और दुनिया में 10th लार्जेस्ट रिलीजन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दुनिया में 10th लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल के द्वारा इसको अपनाया गया है, ये आपको बताना है। ये तोहरा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फेमस नाभा कड़ले बरा फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो नाभा कड़ले बरा एक उत्सव है, फेस्टिवल है, ये कौन से स्टेट के अंदर इसको मनाया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो ये फेस्टिवल है इसके अंदर सिम्बॉलिक रिक्रिएशन होता है वुडन फॉर्म्स की, जो फोर डाइटीज होती है, जगन्नाथ टेम्पल है पुरी के अंदर, इसके अलावा बाला वृद्धा है, सुभद्रा है, सुदर्शना है, इन सभी के क्या जो वुडन फॉर्म्स हैं इनको रेनोवेट किया जाता है, वापस से रिजेनोवेट किया जाता है वुडन फॉर्म्स के अंदर इस वाले फेस्टिवल के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको जगन्नाथ टेम्पल पुरी के अंदर जो है वो बता ही दिया, तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर क्या है, उड़ीसा इसका सही आंसर है, ओके। 8th, 12th और 19th ईयर के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रैंक इज नॉट द करेंसी ऑफ, तो फ्रैंक जो है वो कौन से देश की करेंसी नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। कई सारे देशों की करेंसी फ्रैंक है, आप सभी को पता होगा, ओके। और जो ये फ्रैंक जो करेंसी है, ये इनिशियली जो करेंसी थी ये फ्रांस की करेंसी थी, लेकिन जब वहाँ पे यूरो स्टार्ट हो गए 1999 के अंदर, तो फिर फ्रैंक क्या हो गए, कम हो गए, वहाँ पे यूज़ करना उन्होंने बंद कर दिया,
उसके अलावा स्विट्जरलैंड और कई सारे देश हैं जो कि इसको फ्रैंक को यूज़ करते हैं। इसके अलावा मेजरली जो अफ्रीकन नेशंस हैं वो बहुत यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो ए इसका सही आंसर होगा, ये सभी फ्रैंक यूज़ करते हैं और यमन फ्रैंक यूज़ नहीं करता, वहाँ पे रियाल, यमन रियाल वहाँ पे काम में लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये फेस्टिवल है जिसकी मैं बात कर रहा था पहले आपसे, नाबा कालबारा फेस्टिवल, कुछ इस तरीके से पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया था, कुछ इस तरीके से वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 कोपा अमेरिका विल बी हेल्ड इन, तो 2019 का जो कोपा अमेरिका कप होगा वो कहाँ पे होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए कोपा अमेरिका के बारे में मैं आपको, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कप है, बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। इसका जो एक्चुअल नाम है वह कॉनमेबल, कॉनमेबल लिबर्टाडोरेस, ये इसका एक्चुअल नाम है। ये एक एनुअल इंटरनेशनल क्लब फुटबॉल कॉम्पिटिशन है जो कि इनिशियली तो एनुअली स्टार्ट किया गया था, बाद में इसको कई टाइम में 4-4 साल में इसको इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाने लग गए, ठीक है। बहुत ही प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है दुनिया में फुटबॉल का, और क्लब कंपटीशन जितने भी साउथ अमेरिका के जो क्लब हैं वो सभी इसके अंदर फुटबॉल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और साउथ अमेरिका के जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई थी उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे ये पर्सन लिबर्टाडोरेस, उनके नाम से ये स्टार्ट किया गया है। ओके, हर एक देश जो है साउथ अमेरिका के, उनमें से चार, हर एक कंट्री में से चार टीमें क्लब की इसमें पार्टिसिपेट करती है, बस अर्जेंटीना और ब्राज़ील इनसे 6 क्लब की टीमें आती है, बाकी सभी से 4-4 आती है। करंट चैंपियन की बात करूं तो अटलांटिनो यहाँ की करंट चैंपियन है, अटलांटिको नेकिलस यहाँ की नेकोलियन, ये सेकेंड टाइटल इन्होंने जीता है, ये यहाँ की करंट चैंपियन है, दो की 2015 के अंदर जीती थी। अभी 2019 का ये कहाँ पे होगा, ये ब्राज़ील के अंदर कराया जाएगा। ओके, ब्राज़ील इसको होस्ट करेगा, तो आपका जो यहाँ पे आंसर है वो डी इसका सही आंसर है। और अगर आप देख सकते हैं 2019 का कोपा अमेरिका कहाँ पर है, ब्राज़ील के अंदर होगा, और यहाँ पे सबसे जो फेमस टीम है जो सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट जीत चुकी है उसका नाम है इंडिपेंडेंट, ओके इंडिपेंडेंट टाइड, ये टीम है जो कि अर्जेंटीना की है, ठीक है। ये मोस्ट सक्सेसफुल क्लब है इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री में जो कि 7 बार चैंपियनशिप जीत चुका है, ठीक है, इंडिपेंडेंट टाइड, ये इस क्लब का नाम है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम्ड आफ्टर लीबियन लीडर गद्दाफी, फेमस टेस्ट क्रिकेट ग्राउंड गद्दाफी स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी, तो आपको बताइए लीबिया के एक बहुत ही फेमस नेता थे गद्दाफी, उनके नाम पर एक प्रसिद्ध ग्राउंड रखा, ग्राउंड का, क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है गद्दाफी स्टेडियम, ये कौन से कंट्री के अंदर लोकेटेड है ये आपको बताना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्रिकेट ग्राउंड है इसका पहले जो नाम था वो था लाहौर क्रिकेट ग्राउंड, लाहौर स्टेडियम, आप समझ ही गए इसका आंसर क्या है, डी इसका आंसर है क्योंकि ये लाहौर के अंदर है। ओके, ये ग्राउंड 1996 के अंदर रेनोवेट कराया गया था वर्ल्ड कप के टाइम पे और इसने फाइनल होस्ट किया था। ओके, यहाँ पे हेडक्वार्टर भी है किसका, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पीसीबी का हेडक्वार्टर भी है, और ये होम ग्राउंड भी है पाकिस्तानी टीम का। नियर बाय 27,000 यहाँ की ऑडियंस कैपेसिटी है, और ओरिजिनली इसका जो नाम है वो लाहौर स्टेडियम था, लेकिन 1974 के अंदर क्या हुआ कि लीबियन जो प्रेसिडेंट थे गद्दाफी, उन्होंने स्पीच दी थी यहाँ पे आके लाहौर के अंदर आके, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई गई थी, ओके, जिन्होंने फेवर किया था, इन्होंने गद्दाफी ने क्या किया था, फेवर किया था जो न्यूक्लियर वेपन जो बना रहा था पाकिस्तान उसको फेवर किया था, इसीलिए इन्होंने इनके नाम के ऊपर ये स्टेडियम का नाम रख दिया। आप देख सकते हैं ये स्टेडियम है, हालांकि यहाँ पे मैच नहीं होते हैं, पूरे पाकिस्तान में मैच नहीं होते हैं, आखिरी बार यहाँ पे मैच हुआ था 2015 के अंदर श्रीलंका के साथ में आखिरी टेस्ट मैच हुआ था, और अभी T20 भी खेला गया है, अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले T20 टूर्नामेंट हुआ है यहाँ पे। ओके, और टेस्ट मैच की बात करें तो 2009 के अंदर आखिरी टेस्ट मैच हुआ था यहाँ पे, तो जैसे कि पाकिस्तान के अंदर सभी देश डरते हैं क्रिकेट खेलने को लेकर, और काफ़ी सालों पहले 2009 में जब यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट खेला था जब श्रीलंका के ऊपर गोली भी चल गई थी, ओके, वो तो ड्राइवर थे जिन्होंने बचा लिया था, उसके बाद में सभी देशों ने आने से मना कर दिया, लेकिन रिसेंटली श्रीलंका ने वापस से हिम्मत दिखाई है यहाँ पे जाके खेलने की। इससे पहले यहाँ पे जिम्बाब्वे भी खेलने गई थी 1-2 साल पहले, जहाँ पे टैंक लगाए गए थे चारों तरफ, जिम्बाब्वे को ऐसी सिक्योरिटी दी गई थी जैसे कि इंडिया के प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी दी जाती है, ओके, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ओबामा को सिक्योरिटी दी जाती है, ऐसे जिम्बाब्वे टीम को सिक्योरिटी दी गई थी, चारों तरफ टैंक लगाए गए थे, बहुत आर्मी लगाई गई थी और जिम्बाब्वे टीम क्रिकेट खेल रही थी। तो जिम्बाब्वे टीम का इंटरव्यू भी आया था कि बहुत ही ज़्यादा उनके लिए एक एडवेंचरस ट्रिप था ये, और काफ़ी उनको एक VIP ट्रीटमेंट दिया गया जिम्बाब्वे टीम को यहाँ पे, ओके, क्योंकि जैसा कि पता ही है कि पाकिस्तान में वैसे ही आए दम बम ब्लास्ट होते हैं और
वो चाहते नहीं थे कि एक जिम्बाब्वे जैसी टीम को भी के साथ भी कुछ अनहोनी हो जाए। तो फ्रेंड्स ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। कंप्लीट जीके अगर आपको पढ़नी है तो वाईफाई स्टडी का GK24 ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में आप क्या कर सकते हैं, वाईफाई स्टडी के ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प ले सकते हैं, जो कि पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, ऑनलाइन सभी कुछ अवेलेबल है। वहां से आप कंप्लीट जीके पढ़ के अपनी प्रिपरेशन को शार्प कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मंडे को फिर से मिलेंगे हिस्ट्री के साथ में सेम टाइम पे, ओके 10 बजे। तो उम्मीद है आप सभी मुझे वहां पे मिलेंगे और हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम फिर से डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।